हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो जैसा हमने लास्ट लेक्चर में बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को पढ़ लिया था, ठीक है। आई होप कि आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों यहां पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों ये दूसरा आपका पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी है बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब एक्चुअली में आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों आपका एज एग्जांपल मैं आपको बताता हूं जी। सबसे पहले समझना बात को, ए और बी के बीच आपका बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इसमें रात दिन का अंतर है, ठीक है। आप लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कंफ्यूज होंगे। बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, अब क्या होगा बच्चों, ए और बी, यहां पर हम बोलते हैं बच्चों, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी कंपाउंड इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी का ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए के कंपेरिजन में। तो क्या होगा, जो ये आपका बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, जो आपके बॉन्ड बनाने में जो इलेक्ट्रॉन हेल्प किए बच्चों, वो आपका किसकी ओर मूवमेंट करेंगे बच्चों, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ओर, ठीक है। तो यहां पर क्या कर रहा है, ये आपका हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये आपका हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हायर इलेक्ट्रो नेगेटिव कंपाउंड है, और ये आपका क्या है बच्चों, लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड, लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड, ठीक है। अब बात को ध्यान से समझना, ये आपका हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये आपका लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब क्या करेगा कि बी का जब हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा तो ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को अपने ओर अट्रैक्ट करेगा। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी क्या बोल सकते हैं बच्चों, टू अट्रैक्ट द बॉन्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, टू अट्रैक्ट द बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड इटसेल्फ, या फिर ये भी बोल सकते हैं, या फिर दूसरा टर्म में बोलना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगा, समझना बात को, या फिर दूसरे टर्म में मैं क्या बोलूंगा, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। This property is called इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहां पर बात को ध्यान से समझना बच्चों, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एक आपका सिंपल डेफिनेशन हो गया। अब क्या करेगा बच्चों, जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा वो अपने ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज को कैरी करेगा, पार्शियल, डेल्टा का मतलब पार्शियल, और यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ेगा तो ये पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियल नेगेटिव। इसके बारे में बच्चों अभी से ही जान लो कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसके ऊपर क्या आता है बच्चों, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये तो आपका हो गया सिंपल, ठीक है। ये तो मैंने आपको सिंपल बता दिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी प्रॉपर्टी होती क्या है। जैसे मैं HCl के केस में बात कर लूं, या फिर मैं किसी SO, यहां पर मैं किसी एटम के बारे के केस में बात कर लेता हूं। देखो जैसे इन मॉलिक्यूल, अब मैं आपसे पूछूंगा इन मॉलिक्यूल के केस में मैं क्या बोलूंगा, ध्यान से समझना, इन मॉलिक्यूल के केस में मैं आपको एक दो मॉलिक्यूल लिख के बताता हूं, आप लोग उससे समझना, ठीक है। यहां पर मैंने बोल दिया कि एक मॉलिक्यूल मैंने लिया NH और ये लोन पेयर, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, यहां पर ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया बेसिकली, तो अब आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं एक्चुअली, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, देन व्हाट विल हैपन, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन आपका इस तरफ मूवमेंट करेगा, इसके ऊपर आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, एक तो इसकी वजह से, और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा बच्चों। बात समझ में आई,
तो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव आपके बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी से आपको आएगा बच्चों, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ HCl, एक और एग्जांपल जैसे HCl, HCl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Cl इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन, देन व्हाट विल हैपन, ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा क्लोरीन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसके ऊपर पार्शियल माइनस, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसके ऊपर पार्शियल प्लस। इस तरीके से हम चार्ज का भी डिस्ट्रीब्यूशन इसी से सीखते हैं, मैक्सिमम पार्शियल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम इसी से सीखते हैं। अब ध्यान से समझना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो आपके बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब ये हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, जब ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट पे, तो यहां पर डेल्टा माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, बॉन्ड बनाने में दो इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट होते हैं बच्चों, दो इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बनाने में आपके दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट होते हैं, तो इसका मतलब ये आपका क्या है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर तो अभी आपको बस इतना जान लो, फिर आगे धीरे 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 आप इसके एप्लीकेशन से सीखोगे सब कुछ, ठीक है। नाउ अब मैं आपको बताता हूं यहां पर मैं आपको एप्लीकेशन के थ्रू मैं आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने डेफिनेशन जान ली, अब बच्चों ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से काफी डिफर करता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बच्चों कुछ और है और ये आपका कुछ और है एक्चुअली में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टर्म में इसको मत देखना, ठीक है। अब देखो यहां पर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेशन के लिए बच्चों काफी ज्यादा साइंटिस्ट ने अपने अपने फॉर्मूले दिए, काफी ज्यादा साइंटिस्ट ने आपके अपने अपने फॉर्मूले दिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेशन करने के लिए। सबसे पहला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या दिया बच्चों, पॉलिंग अप्रोच। कौन सा अप्रोच दिया बच्चों, पॉलिंग अप्रोच। देखो यहां पर पॉलिंग स्केल पे हम किस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखते हैं बच्चों, ध्यान से समझना बच्चों, काफी इजी है। तो पॉलिंग स्केल पे हम किस तरीके से देखते हैं, ध्यान से समझना बच्चों यहां पर, कि पॉलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखने का तरीका जो आपका होगा वो क्या होगा बच्चों, यहां पर देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साई ए, साई से हम इसको डेनोट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साई बी इक्वल टू 0.208 यहां पर डेल्टा, ठीक है। ये आपका पॉलिंग स्केल का फॉर्मूला है। अब पॉलिंग स्केल का फॉर्मूला हमको ये दिया हुआ है, अब डेल्टा यहां पर एक्चुअली में है क्या, डेल्टा यहां पर एक्चुअली में है क्या, तो डेल्टा यहां पर देखो जी, जैसे मेरे पास ए ए एटम है और मेरे पास बी बी ए और एक मेरे पास ए बी ए, ठीक है। अब मेरे पास तीन टाइप के एटम है, समझना ध्यान से, ए ए है, एक आपका बी बी है और एक आपका यहां पर क्या है, यहां पर एक आपका ए बी है, ठीक है। तो डेल्टा का फॉर्मूला यहां पर क्या होगा, ध्यान से समझना, डेल्टा इक्वल टू एनर्जी ऑफ ए बी माइनस अंडर रूट ऑफ एनर्जी ऑफ ए ए मल्टीप्लाई बाय एनर्जी ऑफ बी बी, ठीक है, एनर्जी ऑफ बी बी, ठीक है। ये आपका इस तरीके से होगा, ठीक है, इस तरीके से आपका इसका फॉर्मूला है, ध्यान से समझना बच्चों। आपके दोनों का जो एनर्जी होगा उसमें से इसके एनर्जी को माइनस कर लेना है, जैसे मुझे Cl2 का बोला, जैसे मुझे HCl का बोला, जैसे एज एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मुझे HCl का मॉलिक्यूल का बोला गया है कि मुझे पॉलिंग स्केल पे H को मैंने रेस्पेक्टिव मान लिया 2.1, H के रेस्पेक्ट में मुझे बता दो, और मुझे इसमें बॉन्ड एनर्जी दी गई है H2 की, एक बॉन्ड एनर्जी मुझे इसकी दी गई है, H2 की बॉन्ड एनर्जी मुझे गिवन है, ठीक है, मुझे यहां पर Cl2 की बॉन्ड एनर्जी गिवन है, ठीक है, और एक मुझे यहां पर HCl की बॉन्ड एनर्जी गिवन है, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी HCl की गिवन है। तो अब बताओ बच्चों कि आप इसको किस तरीके से डील करोगे, बताओ यहां पर आप लोग बताओ बच्चों, इसको आप किस तरीके से डील करोगे, जल्दी से अगर एक दो बार कोशिश करोगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है,
जल्दी से डील करोगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर इसको डील करने का तरीका, डेल्टा इक्वल टू क्या बोलेंगे, बॉन्ड एनर्जी ऑफ एच सी एल, ठीक है, यहां पर माइनस साइन अंडर रूट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ एच टू मल्टीप्लाई बाय बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी एल टू। दिस इज अ फॉर्मूला, फॉर्मूले को समझो, बस फॉर्मूले को समझो, आपको प्रैक्टिकल को नहीं समझना, आपको इसको फॉर्मूले को समझना है, ठीक है। इस तरीके से यहां से डेल्टा की वैल्यू यहां रख देंगे, एक्चुअली जो ये वैल्यू होगी वो किलो कैलोरी पर मोल में होगी, एक्चुअली जो ये वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की आएगी वो एक्चुअली किसके टर्म में आएगी बच्चों, यहां पर जो वैल्यू आएगी आपके किसके टर्म में आएगी, जल्दी से बताओ, यहां पर किलो कैलोरी पर मोल के टर्म में, ठीक है, किलो कैलोरी आपके पर मोल के टर्म में, यहां पर जो आपकी बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू आएगी, डेल्टा की जो वैल्यू आएगी वो किलो कैलोरी पर मोल में, ठीक है। अगर मैं डेल्टा की वैल्यू को किलो जूल में कन्वर्ट करता हूं तो आपका किलो जूल में क्या हो जाएगा बच्चों, फॉर्मूला, इफ अगर मैं इसको किलो जूल में कन्वर्ट करता हूं तो 0.108 अंडर रूट ऑफ यह आ जाएगा, तो यहां पर डेल्टा आपका किसमें, किलो जूल पर मोल में। तो इस तरीके से ध्यान रखो, हमको बॉन्ड एनर्जी या तो किलो कैलोरी पर मोल में मिलेगी या तो किलो का कैलोरी या तो किलो जूल पर मोल में मिलेगी, ठीक है। यहां पर इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखो, एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों, एनर्जी के ऊपर काफी अच्छा खासा यह आपका डिपेंड करेगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझो बच्चों, ठीक है। अब यहां पर आप लोग यहां पर समझो कि यहां पर अगर मैंने यहां पर हाइड्रोजन को रेस्पेक्टिव माना है, किसी भी एक एलिमेंट को यहां पर हमको रेस्पेक्टिव मानना पड़ता है, किसी भी एक एलिमेंट को, देखो हाइड्रोजन को रेस्पेक्टिव मान के ही ये पॉलीमर ने सभी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाला, तो ये क्या है बच्चों, रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। अब बताओ बच्चों रेस्पेक्टिव वर्ड का मतलब क्या हो गया, समझना चाहिए। जैसे मेरे पास तीन स्टूडेंट खड़े हैं, एक की हाइट 5 फीट है, एक की हाइट आपका 6 फीट है और एक की हाइट आपके 5.5 है, तो मैं 5.5 के रेस्पेक्ट में बोलूंगा कि बड़ा वो जो 6 फीट है वो आपका बड़ा है एज कंपेयर टू 5.5, और अगर मैं बोलूंगा कि एक 5 फीट का है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, 5.5 के रेस्पेक्टिव वो आपका छोटा है। तो इस तरीके से मुझे कोई ना कोई रेस्पेक्टिव एलिमेंट की रिक्वायरमेंट थी, तो पॉलिंग ने किसके रेस्पेक्ट में निकाला, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में 2.1, ठीक है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसने क्या लिया 2.1 और इसी के रेस्पेक्ट में उसने पूरा निकाल दिया, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा पॉलिंग स्केल पे वैल्यू क्या क्या थी, ठीक है। ये तो था आपका पॉलिंग स्केल, पहला कैलकुलेशन करने का पहला तरीका। दूसरा तरीका, कभी कभी यहां पर आपको पूछ लेता है बच्चों, ये एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू दिस फॉर्मूला इज मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू अदर, ठीक है। अगला था बच्चों मूलिकन स्केल, अगला कौन सा था, मूलिकन स्केल। अब मूलिकन स्केल एक्चुअली में बच्चों आपका होता क्या है, मूलिकन स्केल आपका एक्चुअली में होता क्या है बच्चों, ठीक है। मूलिकन्स ने आपका अप्रोच किया फॉर्मूला लिखने का, यहां पर मूलिकन ने आपका अप्रोच किया फॉर्मूला लिखने का, तो क्या लिखा उसने, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कंपाउंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम साई से डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे बच्चों, साई से, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कंपाउंड इक्वल टू साइन ही आएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइड बाय 2। अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का अगर मैं डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो ये आपको किसमें आ जाएगा बच्चों, यहां पर आपका क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पर आपका ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे, लेकिन यहां पर जो होगा ये आपका किसमें होगा, किलो कैलोरी पर मोल में, दोनों की दोनों वैल्यू आपकी किसमें होगी बच्चों, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी बोथ आर इन किलो कैलोरी पर मोल, बोथ आर इन व्हाट, किलो कैलोरी पर मोल यहां पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, किसमें होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखो, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, ठीक है।
यहाँ तक हो गया, लेकिन ये एक्चुअली पॉलिंग स्केल के इक्वल नहीं आ पाया। पॉलिंग स्केल ने जो आपके एटम का निकाला था उसके इक्वल नहीं था, तो इसने पॉलिंग स्केल और उसमें वेरिएशन करके इसने क्या किया, एक और फॉर्मूला लिखा यहाँ पर 2 × 5.6 मतलब 2.8। इसने क्या लिखा 2.8, यहाँ पर टोटल 5.6 आता है, मैंने वो बोल दिया था बच्चों। तो IE इक्वल टू EA 5.6। क्या हुआ, जो मॉलिकल ने जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाला उसमें और पॉलिंग स्केल में कुछ डिफरेंस था। कितना कम था, अब हम बोल सकते हैं कि यह आपका पॉलिंग स्केल की वैल्यू को इक्वल करने के लिए यहाँ पर 2.8 लगाया गया। यहाँ पर उसने क्या किया बच्चों, पॉलिंग स्केल की वैल्यू को इक्वल करने के लिए यहाँ पर 2.8 लगाया गया। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि मुलिकन स्केल वैल्यू इज 2.8 टाइम्स ग्रेटर देन पॉलिंग स्केल। मतलब आपका क्या हो गया बच्चों, पॉलिंग स्केल से 2.8 टाइम आपका बड़ा होता है कौन सा, मुलिकन स्केल। इसीलिए मैंने यहाँ पर वैल्यू को इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। मुलिकन स्केल जो एक आपकी यहाँ से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है उसकी वैल्यू को इक्वल करने के लिए मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब मैं सिंपल आपको बता देता हूँ कि ये मैंने मना मान लिया मुलिकन के लिए, ठीक है। ये मैंने मान लिया मुलिकन के लिए, ठीक है। मुलिकन स्केल की वैल्यू आपके पॉलिंग स्केल से 2.8 टाइम्स इंक्रीज करती। तो मैं सिंपल आपको बता देता हूँ इसका भी टर्म्स समझ लो बच्चों, पॉलिंग स्केल से 2.8 टाइम्स। तो यह मैंने पॉलिंग स्केल पे निकाला, पी का मतलब पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल पे जो मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाला वो 2.8 टाइम्स ग्रेटर थी इक्वल टू मुलिकन स्केल पे, एम का मतलब मुलिकन स्केल। अब यहाँ पर एक्चुअली मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे पॉलिंग के इक्वल करना पड़ेगा तो मैं क्या करूँगा, एम डिवाइडेड बाई 2.8 और साई एम मैं क्या लिखूंगा, साई एम की जगह यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाई 2 × 2.8 ये मैं लिख दूंगा। देखो अभी आ गया आपका, अब भैया आपका ये आ चुका है, ठीक है। अगर मुझे इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो कैसे करूंगा बच्चों, आप लोग जानते हो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। तो आप लोग जानते हो बच्चों यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 96.5848 किलो जूल पर मोल। ये आप निकाल भी सकते हो बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को सबसे पहले आप जूल में कन्वर्ट करो, नहीं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कैलोरी में कन्वर्ट करो। आपने एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर निकाला। अगर इसमें किसी को डाउट है तो मैं आपको बता सकता हूँ सॉल्व करके इसको, लेकिन आप लोग इसको एक बार खुद से कोशिश करो ताकि आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर होता है बच्चों आपका, ठीक है, यह आपका इतना होता है। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, यहाँ पर इसको एंड में अगर मुझे इसको करना पड़ेगा तो यहाँ पर किलोजूल पर मोल, ठीक है, तो यहाँ पर 2.28 डिवाइडेड बाय 96.48। तो यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व कर लिया तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट यहाँ पर हमारा आ जाएगा यहाँ पर 540। यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 540। ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मॉलिक्यूल लिख लो बच्चों, ठीक है। पर मॉलिक्यूल ध्यान से समझ लेना, पर मॉलिक्यूल लिखो बच्चों, ठीक है, पर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, ये अप्रोक्सीमेट 540। तो ये तो था आपका मुलिकन का स्केल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मुलिकन के स्केल में ये फॉर्मूला ध्यान रखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये फॉर्मूला ध्यान रखो, और अगर आपको बोला जाए कि किलो जूल पर मोल में तो ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखो। तीनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं बच्चों, ध्यान रखोगे उतना ही अच्छा है। कुछ नहीं करना, एक बार 5.6, एक बार 540, एक बार 5.6, एक बार 540 ध्यान रखो, और 2 तो आप अपने आप लगा दोगे, ठीक है। अब हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट यहाँ पर एक और स्केल आया था हमारा बच्चों, स्केल समझ लो, स्केल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके जेई में फंसता है बच्चों, और मैक्सिमम लोग इसको छोड़ के जाते हैं। ऑल रेड
अगला क्या बच्चों, ऑल रेड एंड रोचाओ, ऑल रेड एंड रोचाओ स्केल या अप्रोच भी बोल देते हैं, कोई कोई स्केल भी बोल देते हैं, किसी किसी बुक में अप्रोच लिखा हुआ है और किसी किसी बुक में आपका स्केल लिखा हुआ है, ऑल रेड एंड रोचाओ अप्रोच। तो इसने क्या बोला बच्चों, इसने क्या बोला, साई इक्वल टू, यहां पर साई इक्वल टू, साई का मतलब आपका क्या होगा बच्चों, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.744 प्लस 0.358 जेड इफेक्टिव बाय आर स्क्वायर। ये इसने फॉर्मूला दिया, ये इसने क्या दिया बच्चों, यहां पर फॉर्मूला दिया, इस चीज को थोड़ा सा समझना, यहां पर इसने यहां पर क्या दिया बच्चों, फॉर्मूला दिया। अब इस फॉर्मूले में हमारा मीनिंग क्या है बच्चों, ठीक है। अब मैं अगर बच्चों देखो यहां पर इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आपका जेड इफेक्टिव बाय आर स्क्वायर के बीच में अगर कर्व बनाऊंगा तो आपका कर्व कैसा होगा, ये आपसे पूछा है, ठीक है। अब देखो आपको कर्व बनाना है, तो जैसा आपने बेसिक कंसेप्ट ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स आपने पढ़ा था बच्चों, वो लगाएंगे अप्रोच। देखो ये कौन से स्केल पे है बच्चों, ये कौन से एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, तो 0.58 इसको थोड़ी देर के लिए एक्स मान लो, अब इसको थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लो, और ये अब आपका वाई एक्सिस पे, तो इसको थोड़ी देर के लिए वाई मान लो। अब आप देख सकते हो इस इक्वेशन को कंपेयर करो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो m की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, mx तो ये हो गया ना, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.358, और m की वैल्यू क्या आई बच्चों, पॉजिटिव, m की वैल्यू पॉजिटिव आई तो ऊपर जाएगा कर्व, कर्व क्या जाएगा बच्चों, ऊपर जाएगा। दिस इज द इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन होगा, दिस इज द इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन, ये आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, m की वैल्यू पॉजिटिव आई। नाउ ये क्या है, c इज अ इंटरसेप्ट, C इज अ वॉट, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, मतलब अगर C होगा तो यहां पर M C आपका इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट काटेगा, तो कितना काटा बच्चों 0.744, मतलब ये वाली जो वैल्यू आएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी बच्चों 0.744, और आपका ग्राफ इस तरीके से पॉजिटिव वे में जाएगा, और ये जो एंगल हो जाएगा बच्चों आपका, ठीक है, बात समझ में आई। अब देखो एंगल क्या होता है बच्चों, एंगल होता है बच्चों यही है जो आपका स्लोप होता है वो क्या होता है, टेन थीटा, ठीक है। एम की वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा, ध्यान से समझना, एम की वैल्यू क्या होती है बच्चों, यहां पर टेन थीटा, और एम की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहां पर आपसे एंगल भी पूछ सकता है, टेन थीटा इक्वल टू 0.358, और मैं थीटा निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स 0.358, दिस इज द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपो और जेड इफेक्टिव एंड आर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको याद समझा, ठीक है, इस तरीके से उसने कुछ फॉर्मूला बनाया था और इस तरीके से उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्केल का उसने इस तरीके से डिफाइन किया। अब इसमें मुद्दे की बात यह है कि फॉर्मूला उसने कैसे निकाला, हमको इसको नहीं समझना है, फॉर्मूले का डेरिवेशन एक्सपेरिमेंट काफी काफी बड़ा प्रोसीजर है, तो हम इसको नहीं समझेंगे। अब हम मुद्दे की बात पे आते हैं कि एक्चुअली में हमको कौन कौन से याद करने, कंफ्यूजन तो यही है एक्चुअली में हमको कौन कौन से याद करने, तो आप लोगों को मैं कुछ पॉलिंग स्केल से, पॉलिंग स्केल की वैल्यू में लिखा देता हूं, तो पॉलिंग स्केल की वैल्यू के हिसाब से आप लोगों को याद करना, ठीक है। अब देखो पॉलिंग स्केल, एक तो आप लोग पॉलिंग स्केल समझ लो, एक आप लोग मुलिकन स्केल समझ लो। अब मैं बताता हूं बच्चों यहां पर पॉलिंग स्केल, तो पॉलिंग स्केल ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखो यहां पर हाइड्रोजन मैंने बना दिया, ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ठीक है, हाइड्रोजन यहां बना दो। अब ध्यान से समझ लेना बच्चों यहां पर, यहां पर ली ना के रब से फरियाद, ठीक है, इतना भी नहीं आएगा, रब से फरियाद इतना जान लो बस, थोड़ा सा जान लो बच्चों, इसमें कोई इतना बड़ा अप्रोच नहीं है आप लोगों का, ठीक है, थोड़ा सा जानना है बस, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बेरिलियम, यहाँ पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम,
और यहाँ पर सिलिकॉन, यहाँ पर आपका फास्फोरस, यहाँ पर सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये आपका आयोडीन। इस तरीके से आपका कुछ पीरियोडिक टेबल में अरेंजमेंट होता है, बीच में डी ब्लॉक आते हैं इसके बीच में, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को सोचना नहीं है। अब देखो मैं आपको वैल्यू लिखना बताता हूँ, ठीक है। यहाँ जाएंगे तो 0.5 बढ़ाते जाओ, ठीक है। इसको मान लो, इसको मैंने लिया 1.0, तो 1.5 इसका कितना हो जाएगा 2.0, इसका कितना हो जाएगा 2.5, इसका कितना हो जाएगा 3, इसका कितना हो जाएगा 3.5 और इसका कितना हो जाएगा 4। देखो 0.5 मैंने बढ़ाता गया, देखो ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें क्या होगा, 0.3 बढ़ाते जाओ। यहाँ पर 0.9 है तो इसमें 0.3 बढ़ाया तो 1.2, इसमें 1.5, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा बच्चों 1.8 और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा बच्चों जल्दी से बताओ 2.1, सल्फर का 2.5 और क्लोरीन का कितना आ जाएगा 2.8, क्लोरीन का आपका 2.8 जो कि अप्रोक्सीमेट, देखो 2.8 तो नहीं होता, 2.9 कुछ होता है जो कि अप्रोक्सीमेट आपका 3 हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखो। अब पोटेशियम का मैं आपको बता देता हूँ, नीचे जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं 0.1 डिक्रीज कर रहे हैं, तो इसका 0.1 डिक्रीज करते जाओ तो आपका इस तरीके से आपके सारे एटम का आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ब्रोमीन का कितना होगा 2.8 क्लोरीन से कम, और इसका कितना होगा आपका होगा 2.5, आयोडीन का आपका कितना होगा 2.5, ठीक है। हाइड्रोजन का आपका 2.1 और जितने भी आपके इनर्ट गैस होंगे उनका क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0। बस थोड़ा सा ध्यान रखो बस इसको। तो इस तरीके से ये जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो आपके किस पर है बच्चों, दिस वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज बेस्ड ऑन पॉलिंग स्केल। ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है बच्चों वो आपके किसके ऊपर बेस है बच्चों, पॉलिंग स्केल के ऊपर बेस है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू देख ली बच्चों, जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी की सारी वैल्यू आपके पॉलिंग स्केल पर बेस है, सारी वैल्यू याद कर लो, इसमें से कुछ वैल्यू भी याद कर लोगे तो चलेगा, लेकिन आप लोग कोशिश करो ये वैल्यू तो याद रखो, क्योंकि ये वैल्यू आपके पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं बच्चों, ठीक है। अब ध्यान से समझना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे कंपाउंड में आपकी किसकी होती है सबसे ज़्यादा, फ्लोरीन की। पूरे पीरियोडिक टेबल में हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड कौन होगा बच्चों, फ्लोरीन। तो यहाँ पर बोलेंगे फ्लोरीन आपका क्या होगा, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड, ठीक है। अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो क्या होता है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपाउंड नेगेटिव एलिमेंट, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो क्या होता है बच्चों, आपका मेटल होता है। तो दिस साइड आप देख सकते हो ये सारे के सारे आपके मेटल है, मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी कम होती है, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, मतलब ये आपके बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी तो नहीं रखते, लेकिन क्या रखते हैं बच्चों, जब ये आपके बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी नहीं रखेंगे तो ये आपके बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखेंगे, और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखेंगे, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। तो इस साइड आपका क्या होता है बच्चों, आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है, ध्यान से समझ लेना, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से हम लोगों को समझ के चलना पड़ेगा, ठीक है, जो कि आपका काफ़ी इजी है, अगर आप एक दो बार कोशिश करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, ध्यान से समझना। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए बहुत सारे कंसेप्ट है, बहुत सारे अभी एक दो स्केल और भी है, लेकिन एक दो स्केल को पढ़ने से अच्छा है कि हमको अभी केवल और केवल इसके बेसिक कंसेप्ट को समझ लेना है। तो मैंने आपको आज बेसिक कंसेप्ट बताया, ध्यान से समझना बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है, ठीक है। अगर मैं आपको देखो यहाँ पर अगर मैं आपको बोलना चाहूँ कि देखो फैक्टर अफेक्टिंग टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो मैं कुछ फैक्टर आपको बताता हूँ, बाकी के फैक्टर हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ फैक्टर्स मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, ध्यान से समझना, फैक्टर अफेक्टिंग टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पर बता देता हूँ बच्चों, फैक्टर अफेक्टिंग
अफेक्टिंग टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भाई बच्चों फील करना, फील करना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर होंगे, सबसे पहले तो हम एक ही फैक्टर पढ़ेंगे, क्या, एटॉमिक साइज। सबसे पहला हमारा तो वही होता है, एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ेंगे। अब एटॉमिक साइज के बारे में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, देखो ध्यान से समझना, जैसे 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 देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज विद द साइज, मतलब साइज बढ़ेगा तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों होगी, आपने ऑलरेडी रोचौ के स्केल में देखा होगा जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, आर की वैल्यू छोटी होगी तो माइनस वैल्यू क्या होगी बच्चों, बढ़ेगी, और माइनस वैल्यू बढ़ेगी तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, ठीक है। माइनस वैल्यू बढ़ेगी नहीं, माइनस वैल्यू कम होगी, क्योंकि आपके उसमें दे देख सकते हो बच्चों कि यहाँ पर जेड इफेक्टिव बाय आर स्क्वायर की वैल्यू कम होगी, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा बच्चों, इसलिए आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीधा के बढ़ जाएगी, इसकी वैल्यू कम होगी तो आपका साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो आपका, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू भी कम हो रही है, इसकी वैल्यू भी कम हो रही है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो दोनों की इसकी वैल्यू बढ़ रही है सॉरी, और इसकी वैल्यू आपकी कम हो रही है, तो यहाँ पर जो टोटल जो नेगेटिव साइन आएगा वो यहाँ पर आपका आर स्क्वायर है तो ज़्यादा कम होगा, और ज़्यादा कम होगा तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगा। ध्यान से समझना, अगर ये समझ में नहीं आता तो इसको हटा दो। देखो सिंपल ध्यान रखो कि अगर आपका साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी, ठीक है। अब देखो साइज में क्या होता है बच्चों, हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज प्रेजेंट इन एटम इट्स पावर अट्रैक्ट टू शेयर। देखो क्या होता है कि अगर आपका साइज बड़ा, साइज छोटा होगा, क्या होता है एक्चुअली साइज छोटा होता है, साइज छोटा होगा तो जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा, जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा तो क्या होगा बच्चों, आपका समझ सकते हो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को ये अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इसकी ज़्यादा होगी, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि आपका एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, ठीक है। जेड इफेक्ट से भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट अब हम समझते हैं साइज ऑफ एटम, तो मैंने आपको बता दिया, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी आप बोल सकते हो कि यहाँ पर आप सीधा बोल सकते हो साइज आपका छोटा होगा कब होगा, कब होगा साइज आपका बड़ा कब होगा, जब आपका जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर जाएगा। तो देखो अब देखो यहाँ पर साइज बड़ा हुआ तो जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो, जेड इफेक्टिव यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज आपका किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पर जेड इफेक्टिव और साइज आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं अगर आपकी जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो साइज आपकी क्या हो जाती है, छोटी होती है, अगर आपका साइज बढ़ता है तो जेड इफेक्टिव छोटी हो जाती है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जेड इफेक्ट और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना, स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट, स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट, ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझना कि आप साइज वाला भी मीटर ध्यान रख लो, ठीक है, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। और भी होता है बच्चों इसमें, हाइब्रिडाइजेशन होता है, और भी फैक्टर होता है, तो अभी फिलहाल आप लोग इसी फैक्टर को थोड़ा सा अच्छे से समझो, हम इस फैक्टर पे रिलेटेड हम आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, हम आगे इसी फैक्टर से रिलेटेड आप लोगों के लिए क्वेश्चन करेंगे तो उसको समझेंगे। तो एक क्वेश्चन चलो इसी बात पे हम देख लेते हैं कि O माइनस टू, O माइनस और O, इन सब में से आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, इन सब में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी किसकी ज्यादा होगी बताओ, जल्दी से बताओ। देखो अब आपका जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आपका साइज बढ़ेगा, तो यहां पर सिंपल समझ लो ई अपॉन पी रेशियो निकालो, तो ई अपॉन पी रेशियो इसका 10/8, इसका 9/8, इसका 8/8, ई अपॉन पी रेशियो ज्यादा है तो इसका जेड इफेक्टिव भी क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा, इसका जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा, या फिर इसका साइज कम हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा बच्चों, ऑक्सीजन एटम, ठीक है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका कौन हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ओ एटम, ठीक है।
अगर मैं बोलना चाहूँ और भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, तो हम और भी कंपाउंड के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो यहाँ पर O माइनस O O प्लस, अब पूछा कि इन तीनों में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो E अपॉन P रेशियो निकाल लो, ठीक है। यहाँ पर आपका आ जाएगा 9/8, यहाँ पर 8/8, यहाँ पर 7/8, तो E अपॉन P रेशियो, साइज छोटी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइज छोटी होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, तो इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, ठीक है। अब इसकी ज़्यादा क्यों है, इसको समझने का सिंपल तरीका है कि अगर ऑक्सीजन के ऊपर पहले से दो माइनस है तो वो उसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, वो क्यों इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है तो ये अपना अट्रैक्ट वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन होता ही है, लेकिन साथ साथ क्या होता है कि उसके पास अगर कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो ज़्यादा टेंडेंसी रखेगा, वो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए क्या करेगा बच्चों, ज़्यादा टेंडेंसी रखेगा अट्रैक्ट करने के लिए। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि इस तरीके से आपका एटॉमिक साइज आपका वेरी करता है, ठीक है। आपको तो मैंने पीरियोडिक टेबल में बता ही दिया कि आप लोग देखे ही होंगे पॉलिंग स्केल में, पॉलिंग स्केल में आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि इन पॉलिंग स्केल मैंने आपको अभी वैल्यू लिखवाई थी, उस वैल्यू में आप देख सकते हो, अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा था तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही थी, लेकिन आपकी साइज क्या हो रही थी बच्चों, डिक्रीज हो रही थी। लेकिन अगर मैं उसी स्केल में अगर मैं टॉप टू बॉटम जाऊंगा, देखो अगर मैं उसी स्केल में क्या जाऊंगा बच्चों, टॉप टू बॉटम, मैंने पॉलिंग स्केल में बताया था बच्चों, तो उसी में अगर मैं टॉप टू बॉटम जाऊंगा, ध्यान से समझना, अगर मैं उसी स्केल में बच्चों सेकेंड टॉप टू बॉटम की ओर मूव करूंगा, तो आपका क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा था तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी डिक्रीज हो रही थी। मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ई एल लिखूंगा, आप लोग कोशिश करो कि आप इसको क्या लिखो बच्चों, काई फंक्शन में लिखो, ठीक है, काई फंक्शन में लिखो। तो ये आपका कुछ आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड टर्म था। और इसमें एक और टर्म होता है बच्चों कि यहाँ पर आपको ब्लैक शिप एलिमेंट, ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ पर ब्लैक शिप एलिमेंट, देखो ये ब्लैक शिप एलिमेंट क्या होता है बच्चों, ब्लैक शिप एलिमेंट में यहीं पर बता देता हूँ बच्चों आपको, ब्लैक शिप एलिमेंट हम किसको बोलेंगे, देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन, और बट यहाँ पर ध्यान से समझना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ पर तो फ्लोरीन को हम क्या बोलेंगे, ब्लैक शिप एलिमेंट, इसीलिए हम यहाँ पर फ्लोरीन को क्या बोलते हैं बच्चों, ब्लैक शिप एलिमेंट, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, ब्लैक शिप एलिमेंट, ठीक है। फ्लोरीन अब आपसे पूछ सकता है पीरियोडिक टेबल में कि ब्लैक शिप एलिमेंट हम किसको बोलेंगे, फ्लोरीन को, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी ज़्यादा है लेकिन आपके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपके फ्लोरीन की कम है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ब्लैक शिप एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ तक आज के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए आज के लिए बच्चों काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बहुत ही ज़्यादा वाइड एप्लीकेशन, और ध्यान रखना हर साल आपके नीट और जेई में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसा नहीं, उसके एप्लीकेशन से रिलेटेड, कल का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होगा बच्चों, उसके एप्लीकेशन से रिलेटेड हर साल आपके नीट और जेई में 2-3 क्वेश्चन पक्का आते हैं बच्चों, 2-3 क्वेश्चन पक्का आते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ में नहीं आई तो पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं बच्चों यहां पर आप लोग थ्योरी को ध्यान से समझो, बस किसको ध्यान से समझो, थ्योरी को अच्छे से समझो, और इसीलिए मैंने आज थोड़ा सा कम लिया है क्योंकि आपको धीरे धीरे थ्योरी याद भी करनी है, ये थ्योरी आप अच्छे से याद करो, ठीक है, ताकि आपको आगे काम आएगा। सो बच्चों तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा और आपको सारे फॉर्मूले याद करने, कल से हम लोग इसके एग्जाम्पल करने स्टार्ट करेंगे आप लोगों को, आई होप कि आज तक सारा फॉर्मूला समझ में आया होगा, किस किस तरीके से कैलकुलेशन किया वो भी समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।